मैं रकैया बोल रही हूँ। जी बोले। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। कहाँ? बस अड्डे से, मुझे लेने आ जाओ ना अभी अभी। हाँ हाँ जल्दी से मुझे अपने घर ले चलो ना। अरे भी तो आप मुझे पहले बता दी ना, मैं घर वालों को कहीं भेज देता। अब तो सब घर में है, मैं आपको घर में नहीं ला सकता। क्या बोल रहे हो तुम? सुने, वैसे आप दिखने में कैसी है? दूल्हा भाई, मैं रुकैया बोल रही हूँ, मुमताज के कजन है। मोमो, मोमो। हाँ जी, सलाम अलैकुम, आपने मुझे बुलाया? मोमो तुम्हारा फोन आया है। हाय, लेकिन मैंने तो कोई फोन किया ही नहीं। अरे तुम्हारे लिए फोन आया है, तुम्हारी कजन रुकैया का है। हाँ। रुकैया? अच्छा, हेलो रुकैया मेरी बहन, कौन है तू? है हाँ, हाँ, तुझे तो याद कराने में पूरा दिन लग जाएगा। तू अपने शोर को देना फोन जरा। ना मैं उनको फोन क्यों दूं, उनके पास तो पहले से ही है। हाय, अपने शोर से मेरी बात करा। वो आपसे बात करना चाह रही है रफाकत। महमूद। हाँ महमूद, आपसे बात करना चाह रहा है रफाकत। ओहो, देखिए इस वक्त घर में कोई नहीं है, आप खुद ही आ जाए। हाँ हाय, मैं कैसे आ जाऊँ, मुझे एड्रेस ही नहीं पता तुम्हारे घर का। अरे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछेगा कि बुलबुले वाले कहाँ रहते हैं, वो बता देंगे आपको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन पहली मरतबा घर आ रही है, तो आप उसको एयरपोर्ट नहीं लेने जा रहे हैं? अरे वो बस से आई है। हाँ तो स्टेशन लेने जाए उसको। अरे मैं नहीं जा रहा भाई, तुम अपने बेटे से जाके कह दो। मेरा बेटा तो स्कूल गया हुआ है। मैं नबील की बात कर रहा हूँ। ना कौन नबील? ओह, आए आप मेरे साथ, उठे चले। शाबाश। चल पुत्र दील। नबील माँ जी। हाँ पुत्र दील, फौरन नबील हो जा। हाँ तुम्हारी खाला आई हुई है, उन्हें लेने के लिए फौरन बस स्टैंड पे जाना है। क्या? हाँ। नहीं माँ जी, मैं बाहर नहीं जा रहा, बाहर बहुत गर्मी है। चुप, हर वक्त अपनी बीवी की गोद में बैठा रहता है, जा जाके मेरी बहन को लेकर आ। हाँ नबील, जाओ ना जल्दी से, वो बेचारी कब से धूप में खड़ी होंगी, इंतजार कर रही है। यार महमूद साहब, आपकी साली आ रही है ना, आप लेकर आए। नहीं भाई, मैं जब तक शक्ल ना देख लूँ मैं उसे साली नहीं बनाऊंगा। आप दोनों ना मेरी बहन को लेने अड्डे पर जाएं। मैं अड्डे पे नहीं जाऊंगा भाई, अगर वहाँ छापा पड़ गया तो। तू बता बशीर जाएगा कि नहीं? नबील माँ जी। हाँ नबील तेरे साथ जाएगा, चल नबील तैयार हो जा। आ जा आ जा। यार क्या मुसीबत है। इसका मतलब है मेरा ख्वाब सच्चा ही हो गया, यही वो मुसीबत है जो घर में आने वाली थी। मुझे भी यही लगता है जानू। खबरदार जो तुम अपनी खाला को लेने बस स्टेशन गए। जानू। नबील, जब तुम उन्हें लेने ही नहीं जाओगे तो वो यहाँ आएंगी कैसे? जानू माँ जी मुझे कच्चा खा जाएंगी। तुम एक काम करो, तुम महमूद साहब को लेके कहीं भी चले जाओ, शाम को वापस आना, कहना मिली नहीं। कैसा? ठीक है जानू, फिर 1000 रुपए और निकालो। किस चीज के? भाई महमूद साहब को चिप्स खिलाऊंगा, गोला गंडा खिलाऊंगा, झूलों पे बिठाऊंगा। यार नबील भूख लग रही है। नहीं महमूद साहब। अरे मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है। मैं मुसा खुदा को माने यार, आप चिप्स खा तो रहे हैं। अरे तो इसमें कौन से चावल भरे हैं जो इनसे पेट भर जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाना है बस। यार मैं मुसा थोड़ा सबर करें यार, कैसी बातें कर रहे हैं, घर पे जो खाला के लिए खाना बना रहे हैं ना, वो किसने खाना है? वो अम्मी ने तो खाना है। नहीं मुझे अभी खाना खाना है, वरना मैं घर जाके तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुम उसकी बहन को लेने ही नहीं गए। अच्छा यार नाराज क्यों होते हैं, चले ओले चलते हैं, वहाँ राणा रिजवान के दोस्तों को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। जो राणा के दोस्तों को मिलता है वो स्पेशल डिस्काउंट है? हाँ जी। आओ फिर चलते हैं। चिप्स छोड़ दें। क्या खाना है? अरे महमूद साहब अभी तो खाया और कह रहे हैं क्या खाना है। अरे मैं खाने की तारीफ कर रहा हूँ यार। हाँ यार महमूद साहब ये तो है, इतना अच्छा खाना और सस्ता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3000 रुपए? अरे हमने क्या नोट खाए हैं? ओ भाई हम राणा रिजवान के दोस्त हैं। सर इसीलिए आपका 3000 बिल आया, वरना आपका 2000 बिल होता सर। है? निकाले महमूद साहब। अच्छा जी महमूद साहब, महमूद साहब ये लो भाई ये ले। थैंक यू साहब, ये क्या किया आपने? अरे टेंशन ना लो यार, तुम्हारे सुसर के पास बहुत पैसा है। मेरा ख्याल है नबील अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारी वो करीब की खाला ना अब तक बस में बैठ के बहुत दूर जा चुकी होगी। चले मुझे बड़ी महंगी पड़ी है खाला, महमूद साहब आपने मुझे यहाँ खाना खिलाना है।